ऑल राइट दोस्तों, ओप्पो की तरफ से एफ सीरीज का काफी दिनों बाद एक नया फोन हमें 13 जून को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। ये फोन है ओप्पो F27 Pro Plus 5G। एफ सीरीज के इसके अंदर हमें हो सकता है 2 या फिर 3 फोन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने डिटेल है ओप्पो F27 Pro Plus 5G की, चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। प्राइस से शुरुआत करूँ तो इस फोन की प्राइस हमें लगभग 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी 3 वेरियंट्स के साथ में, 8GB 256GB, 12GB 256GB और हो सकता है तीसरा वेरियंट हमें 12GB 512GB वाला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन 2 वेरियंट्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्राइस 25,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। फीचर्स के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस वाली OLED डिस्प्ले मिलेगी, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। लगभग 950 के आसपास हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, यानी 1000 के आसपास मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देने के बारे में ओप्पो ने विचार किया है, ऐसा सुनने में आया है। तो प्रोटेक्शन काफी अच्छी दी गई है, मजबूती फोन के अंदर काफी अच्छी मिल जाएगी। तो यानी कि फोन अगर आपका गिर भी जाता है तो भी हाँ ठीक ठाक आपका फोन बचा रहेगा। इसी के साथ कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा ही देखने को मिलेगा। वो फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। हाँ, फ्रंट में थोड़ा मेगापिक्सल कम दिया गया है, शायद मैं यहाँ पर सोच रहा था कम से कम 13 मेगापिक्सल का तो होना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं ओप्पो क्या सोच रहा है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का दिया है तो खैर इसमें क्या कर सकते हैं। और प्रोसेसर की बात करूँ तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 का 6 नैनोमीटर पर काम करने वाला 5G प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर हमें रियलमी P1 5G के अंदर भी मिला है, जिसकी प्राइस 16,000 रुपये के अंदर है। तो 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिलने वाला प्रोसेसर 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर दिया जा रहा है, ओप्पो से यही उम्मीद थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। और इसके अलावा LPDDR4X RAM और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा और कलर OS देखने को मिल जाएगा Android 14 के साथ में। जी हाँ, तो परफॉर्मेंस आप एवरेज क्वालिटी की आप मान सकते हैं। इसी के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 67 वोल्ट का चार्जर, हाँ अच्छी बात है, बॉक्स के अंदर ही हमें देखने को मिल जाएगा। और अदर फीचर्स जैसे कि एक ही स्पीकर मिलेगा, लेकिन ओप्पो का कहना है कि 300% ज़्यादा आवाज़ हमें इस फोन के अंदर देंगे, तो यानी कि लाउड स्पीकर मिल जाएगा, एक ही स्पीकर मिलेगा। और इसके अलावा जो ओप्पो इस बार सबसे हाईलाइट फीचर दिखाकर इस फोन को सेल करने वाला है वो है इसकी IP रेटिंग। इसी IP69 की रेटिंग इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। ओप्पो का कहना है कि ये इंडिया का ऐसा पहला फोन है जिसके अंदर IP69 की रेटिंग हम देने वाले हैं। ये आधे घंटे तक आपका फोन अगर पानी के अंदर रहता है 1.5 मीटर तक की गहराई में तो बचा रहेगा, अच्छे से काम कर जाएगा, ऐसा ओप्पो का कहना है। 3 कलर्स के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा, एक ब्लू, दूसरा स्काई ब्लू और तीसरा जो कि पिंक कलर के अंदर ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा। एक बात और आपको मैं ये बता दूं कि ये फोन चाइना में ओप्पो A3 Pro के नाम से लॉन्च किया गया है, इसी को दोबारा से रीनेम कर लॉन्च कर रहा है इंडिया में ओप्पो F27 Pro Plus के नाम से। तो फीचर्स कोई नए नहीं है, मैं कहीं से कोई अपनी तरफ से बनाकर आपको नहीं बता रहा हूँ, जो चाइना में लॉन्च हुए ओप्पो A3 के अंदर दिए गए हैं वही फीचर्स इस फोन के अंदर देंगे, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, कलर सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। 13 जून को ये फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो जाएगा। आपका इस फोन के बारे में क्या विचार है कमेंट में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।